प्रताप बाबा साहब है या जितनी क्रांतियां हुई, बाबा साहब ने चारों ओर से लेके गुरु नानक से लेके रविदास तक, कभी से लेके, इस वजह से हम लोग पिछड़े हो गए, इस वजह से हम लोग सामाजिक बहिष्कार हो। एक बड़े अध्ययन के साथ उन्होंने हमको पढ़ाने का, जागरूक करने का एक जिम्मेदार उठाया और उन्होंने अदा किया। आज मैं मानता हूं कि जात की व्यवस्था में हम लोग कहते, उस जात की व्यवस्था से कैद करते कैद थे, आजाद किया और हमको आजादी दी। पिछले 2 साल पहले इस देश के कई महानुभाव कि जिन्होंने को सम्मानित किया गया और सम्मान भी करने वालों ने कहा कि सरकार ने जो हमको सम्मान दिया है, ये सम्मान पैसे के साथ हम लौटा रहे हैं, उसमें कोई दलित नहीं, सभी सवर्ण थे। मैं जानकार जो थे मैंने उनसे पूछा भी है, आप सम्मान वापस कर रहे हो? उसने कहा मैं सवर्ण जरूर हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे इस संविधान के माध्यम से जात की आजादी से निकालकर मुझे व्यक्तिगत आजादी दी। आज उसी व्यक्तिगत आजादी को जो है हमला हो रहा है और जो सरकार हमला कर रही है उस सरकार का मैं निषेध कर रहा हूँ, उस सरकार का निंदा कर रहा हूँ और मुझे जो सम्मान मिल रहा है उस सम्मान में लौटा रहा दोस्तों, वो तो सवर्ण था, उसकी जात श्रेष्ठ, उसकी जात श्रेष्ठ होने के बाद भी उसको एक बड़ा पद मिलना ही था, लेकिन उसने जात के बड़पन को टुकड़ा कर उसने कहा कि संविधान ने मुझे जो आजादी दी है, संविधान ने मुझे जो सम्मान दिया है, संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है, वही अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और उसको बचाना ये मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों हम लोग तो पीछे रहे, आज शिक्षा की व्यवस्था में भी हम लोग ये सरकार से कह रहे हैं कि हमको स्कॉलरशिप, शिक्षा की व्यवस्था में हम कह रहे हैं कि हमको फीस, शिक्षा की व्यवस्था में हम बच्चे कह रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, इनके बिना हम खड़े नहीं हो सकते, ये हमारा नारा है, ये हमारी भूमिका है। आज जिनको सरकारी नौकरियां, जिनके बिजनेस है, जिनकी व्यवस्था है, शायद वो जब तक है तब तक उनकी आर्थिक परिस्थिति सब कम है। अगर मान लो उसी परिवार में अगर कर्तव्य आदमी नहीं आया, नौकरियां बिजनेस में जो सुरक्षित आर्थिक सुरक्षता कुछ सालों बाद वो भी खत्म हो जाएगी और दोबारा सामाजिक तौर से हम लोग जांच में बन जाए। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि ये जो कारवां है मैं यहां तक ले आया, आप पे जिम्मेदारी बाबा साहब, और जिम्मेदारी ये है कि इस कारवां को आप पीछे मत जाने दीजिए, आगे अगर नहीं ले जा सकते तो कोई नुकसान नहीं है, आगे नहीं जा सकते तो बहुत बड़ी बात है, अगर इसको आगे नहीं जाने जा सकते हो तो ये कारवां जहां का वहां है वहीं उसे रुका के रखिए, उसे वहीं समाधिए, वो वहीं रहेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कभी आप लोगों ने आपसे ये सवाल किया, कभी आप लोगों ने आपसे ये सवाल किया कि क्या ये कारवां जो है जहां बाबा साहब ले आए थे, जहां बाबा साहब ले आए थे वहां है या नहीं? अगर मुझसे कोई सवाल पूछता तो मैं यही कहूंगा वो कारवां आस्ते आस्ते पीछे जा, उसकी गति जो है वो 2019 के बाद बढ़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी।
हम तो स्कूल के लिए यहाँ लड़ रहे, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ का जो एमएलए है, यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमको सहयोग दे। लेकिन 1952 के इलेक्शन के बाद जो परिस्थिति बाबा साहब ने देखी, बाबा साहब ने पहले कहा कि आरक्षण जो है, राजनीतिक आरक्षण जो है, इसको खत्म करवा दीजिए। आरक्षण जो है, राजनीतिक आरक्षण जो है, इसको खत्म करवा दीजिए। क्यों? कि जो सही लगा व्यक्ति, सही इंसान, जिसके लिए लोगों के लिए दर्द, जो कुछ करना चाहता है, उसे पीछे दिखाना जाता है, और जो निकम्मा है, जिसको कुछ करना नहीं, ऐसे ही चुने जाते हैं। इस निकम्मे व्यक्ति के सामने आकर गिड़गिड़ाओगे वो आपके लिए कुछ मदद नहीं। इसलिए महाराज जी ने कहा कि इस रास्ते को रुका रुका दीजिए। थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ सकता हूँ। उन्होंने जब कहा कि ये इस रास्ते को 24 घंटे रुका दीजिए, मुख्यमंत्री आप ही के पास लेटर लेके आएगा कि जमीन दे दी। एक आंदोलन की ताकत जो है वो बाबा साहब ने हमको दी, वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी जो है, हम लोग जागरूक, हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये दिखाने का जो ठिकाना है, जहां कहीं पब्लिक मीटिंग हो, जहां कहीं सम्मेलन होता है, बाबा साहब के नाम से सम्मेलन होता है, पार्टी के नाम से सम्मेलन होता है, अगर हम लोग लाखों की संख्या में अगर वहां पर उपस्थित हो गए, हम सभी एक साथ है, हम एक साथ रहेंगे, यही अगर हम लोग नारा लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार आपके सामने हमेशा झुकती रहेगी, आपको सरकार के सामने जाने की जरूरत है। जिस वक्त बाबा साहब थे, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास सत्ता का साधन था। बाबा साहब की पूंजी उनकी बुद्धि थी, और उस बुद्धि को, उस बुद्धि को मानने वाले उनके जमाने के, वो जहां कहीं बाबा साहब जाते, लाखों की भीड़ लगती, और लोग यही कहते हैं कि आप कहिए, हम आपके साथ। और लोग जो है वो बातें करते हैं, तो हमेशा जो है, हमेशा जो है वो सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने उस वक्त एक डर था। डर क्या होता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाबा साहब ने एक पूरी वर्तन खड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाबा साहब ने पूरी वर्तन खड़ी। डर यह था कि बाबा साहब ने अगर अपने लोगों से कहा कि भैया यहाँ पर मिलती खड़ी करनी है, तो ब्रिटिश कहते थे कि हम तो यहाँ बचेंगे नहीं। और इसलिए एक डर, एक खौफ, आंदोलन का जो डर और खौफ था, वो उन्होंने बरकरार बनाया। मैं आज आपसे यही आग्रह करता हूं कि हमारे लड़ने के हथियार, हमारे लड़ने के हथियार तीन है। एक मैंने जैसे कहा कि हमारा संगठन होना, बाबा साहब ने कहा कि अगर आपकी झुकी है तो आप उस झुकी में इज्जत के साथ हो सकते, अगर आपकी झुकी झुकी नहीं है तो आपको दूसरों के घर में रहना होगा, और दूसरों के घर में आप रहेंगे तब उसके इशारे पर आपको चलना। और इसलिए दोस्तों, ये जो पहली बात बाबा साहब ने कही कि अपनी झुकी होनी चाहिए, आज मैं मान के चलता हूं इस राजनीतिक माहौल में हम लोगों को अपनी एक झुकी बनानी होगी, एक राजनीतिक झुकी बनानी होगी। बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई, उसी की झुकी हम लोग को यहां पर बनानी। दूसरी बात बाबा साहब, हमारे पास पैसा आएगा नहीं आएगा पता नहीं बाबा साहब, लेकिन जो आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ हम लोग ईमानदारी से, उस आंदोलन का जो है हम ईमानदारी से,
और ईमानदारी यह है कि जिस आंदोलन से मैं जुड़ा हूं उसी आंदोलन के साथ मैं हूं, उसी आंदोलन के साथ मैं हूं, और अपना जो कीमती वोट बाबा साहब ने हम लोग को दिया था ये कीमती वोट उसी आंदोलन के पक्ष में अगर जाता है तो हम लोग की ताकत वहां पर है। दोस्तों हार जीत ये हम लोग की सोचना है, कब हारेंगे कब जीतेंगे, लेकिन अपनी ताकत एक राजनीति अगर दिखाई दे तो उस ताकत के साथ लोग डरते हो। आज नहीं कल ये सत्ता क्या है, आज नहीं कल वो अपनी हुकूमत बनाए, और जिस तरह से हम लोग बर्ताव करेंगे हो सकता है कि उसी तरह का बर्ताव ये हम लोग के साथ भी करे। इसलिए हम लोग ने अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, बदलना चाहिए, और जब हम लोग बदलेंगे तब मुझे लगता है कि आज जो चर्चा चली है किसी एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने कहा आप वो हत्या के बारे में बहुत गलत सलत कहते हो, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ आपके शासकों ने ही मेरे पुरखों के ऊपर जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में गाय उठाना भैंस उठाना उसका ही तो काम था। आज कुछ वो लोग कर रहे हो और आप अपने राजनीति के लिए गाय की राजनीति ले रहा है, मतलब हम लोग डरने के लिए तैयार नहीं है। जो असलियत है वो असलियत लोगों के सामने ले आएंगे, और असलियत यह है कि आज तक मैंने कहा कि जो आपने हमारे पुरखों के साथ किया है उसके लिए ना आप कभी आपने माफी मांगी है ना आप यहाँ पर माफी मांगना चाहते हो, लेकिन आप जो है वो दोबारा सत्ता आने के बाद वही पुरानी व्यवस्था दोबारा लाना चाहते। दोस्तों आज हम लोग का लड़ाई का जो मुद्दा सबसे बड़ा संघर्ष का मुद्दा है कि संविधान को बरकरार रखना यह हमारी पहली जिम्मेदारी है, यह पहली हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है कि संविधान को बदलना वो उनका एजेंडा है। आज इसी संविधान के माध्यम से हमको आजादी मिली, इसी संविधान के माध्यम से समाज में हमको पूछा जाता है, इस संविधान के माध्यम से आरक्षण मिलता है, और उसी आरक्षण के माध्यम से हम लोग जो है विकसित हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इन बातों पर गौर करते हुए आप अपनी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे, यही आशा और उम्मीद लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत अंबा जी थोड़े मसीहा प्रकाशवान साहब ने बड़े विस्तार पर विचार रखे और भारत के संविधान की गल की, भारत के संविधान को बचाना साड़ा मुख टीचा और जो अगे जाना, इस करके भाई सारे मतामा पिंड के नौजवान साथियों का तहे दिलों धन्यवाद करते हैं, और अपने साथियों को बेनती करते हैं, लीडरशिप में बेनती करते हैं पंजाब दी कि आप अपने यूनिट जोड़े आनाने आरंभ करो, जड़िया बूथ कमेटियां बनाया आरंभ करो, सारे साथियों को बेनती आप अपनी सीट से हल बैठो, और क्योंकि साढ़े साथी जो गायक कलाकार ने दो चार मिनट लिए होर मनोरंजन करेंगे। जय भीम जय भारत। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ।